ডেট বিনা ব্রেক ডাউনলোড টাক অ্যাপ। ईरान में हालात खराब है, स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की हर गुंजाइश को खत्म करने की दुनिया के तमाम देश भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, भारत समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के पास फिर से दो रॉकेट दागे गए हैं। इस बीच अमेरिका भी दुनिया भर में अपनी ओर से मोर्चाबंदी में जुटा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी से जुड़े फैसले के बारे में भारत को बताया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पश्चिम एशिया में पैदा हुए तनाव पर भी चर्चा की गई। ईरान और अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही देश भारत के अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार हैं। भारत ने दोनों देशों से तनाव दूर करने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के बाद पोम्पियो ने ट्वीट किया कि डॉक्टर एस जयशंकर और मैंने अभी अभी बात की है। हमने ईरान द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों और उसके उकसावे वाली कार्रवाई पर चर्चा की है। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी लोगों, हमारे दोस्तों और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरा भी नहीं हिचकेंगे। वहीं माइक पोम्पियो से बात करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने अपने हितों और चिंताओं को रखा है। उन्होंने ट्वीट किया, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से खाड़ी क्षेत्रों में पैदा हुए हालात के बारे में चर्चा की गई। हमने भारत की चिंताओं और भारत के हित के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से मौजूदा हालात को लेकर फोन पर बातचीत की। दोनों देशों से एक दूसरे को हालात से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भारत तनाव के स्तर को लेकर बेहद चिंतित है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहने के लिए भी सहमत हुए। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। तब से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद रूस और चीन जैसे देश एक तरफ लामबंद हो रहे हैं, इसलिए ऐसे वक्त में ताकत के समीकरण को बदलने के लिए अमेरिका को भारत का साथ हर हालात में चाहिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।